Okay, students. So, students, now we are heading to the chapter more. The new concept we are discussing is demand function. What is demand function? तो सबसे पहले बता दूँ कि all factors which impacts the demand of a commodity. Demand function क्या है? तो it is all those factors which affect the demand of a commodity. अब देखिएगा, जैसे हमने पढ़ा था कि demand दो type की पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी individual demand, एक पढ़ी थी हमने market demand, और इसी हिसाब से हमने individual demand schedule, market demand schedule और integral भी बनाए थे. तो वैसे demand function की जो बनेंगे वो दो type के होंगे, individual एक market. तो इंडिविजुअल में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे विच इंपैक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड या डिमांड बाय एन इंडिविजुअल, और यहां बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे विच इंपैक्ट मार्केट डिमांड, जिनका मार्केट डिमांड के ऊपर असर होता है. ओके, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को दिखाने का तरीका है, डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी एक्स, टी आर y, t and e. पढ़ने का तरीका होगा, dx is the function of tx, tr, y, t and e. जबकि मार्केट डिमांड फंक्शन को लिखने का तरीका है, mdx is the function of dx, tr, y, t, e, n and y. अब पहले मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें हैं जो किसी प्रोडक्ट की इंडिविजुअल डिमांड पर असर डालती हैं, या एक इंडिविजुअल बायर जब बाय करने जा रहा है, डिमांड करने जा रहा है, तो वो पांच चीजों को देख के डिमांड करता है या नहीं करता है. पहली चीज है पीएक्स. पीएक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी. जिस कमोडिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज को हम खरीदने जा रहे हैं, उसकी प्राइसेस क्या है. और आपने पहले डिस्कस कर रखा है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस ऑफ क्वांटिटी इनवर्स रिलेशन फॉलो करती रहेगा. प्राइस ऑफ क्वांटिटी इनवर्स रिलेशन फॉलो करती है, जिसमें किसी को हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ डिमांड बोला था. तो जब प्राइस इंक्रीज होगी बेटा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी या क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जब प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी एक्सटेंड हो जाएगी. ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमने शुरुआत में देख लिया था. दूसरा होता है बेटा TR और Y, ये थोड़े डीप टॉपिक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिले करके पढ़ा रहा हूँ. पहले मैं आपको Y के बारे में, T के बारे में बता देता हूँ. तो देखिएगा, T का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है कि पर्सन की पसंद और नापसंद. अब जैसे सीधी सी बात है, हो सकता है अभी मैंने ये शर्ट पहन रखी है और कोई दूसरा पर्सन आ भी गए, ये कैसी शर्ट पहन रखी है सर, कलर कॉम्बिनेशन की कुछ समझ नहीं पड़ती. अब आपको पसंद नहीं आ रही, दैट इज योर चॉइस, बट मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने परचेस कर लिया. हो सकता है आप और मैं सेम दुकान पे एक ही टाइम में शॉपिंग करने गए हैं, उस टाइम आपने इस शर्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे पसंद आ गई तो मैंने इसको बाय किया. तो इसका मतलब ये है कि हमारी पसंद और नापसंद का भी हमारे डिमांड पे असर पड़ता है. हो सकता है कि आज मेरे को ये वॉच बहुत पसंद आई तो मैंने खरीद ली, लेकिन आपको हो सकता है अरे यार सर ने ऐसी वॉच खरीदी मेरे को नहीं समझ पड़ रही, तो आप नहीं खरीदोगे. तो ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. तो एक सीधी सी बात है कि टेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल, जिसको हम लाइक डिसलाइक भी बोलते हैं. मुझे ये बड़ी पसंद आई, आई लाइक दिस वॉच, मैंने परचेस कर ली, और अगर मुझे ये पसंद नहीं आती तो मैं परचेस नहीं करूंगा. यानी अगर मेरा टेस्ट फेवरेबल होगा, या जिसको हम कह सकते हैं कि मुझे चीज पसंद आएगी, तो मैं उसकी डिमांड करने जाऊंगा, और अगर मुझे वो चीज अनफेवरेबल लगती है या मैं उसे डिसलाइक करता हूं, तो मैं उसकी डिमांड करने नहीं जाऊंगा, यानी डिमांड नहीं करूंगा. यानी कि हमारी टेस्ट या हमारी प्रेफरेंस यानी लाइक और डिसलाइक का भी हमारे डिमांड पे असर पड़ता है. नेक्स्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है एक्सपेक्टेशन. ई का मतलब होता है बेटा एक्सपेक्टेशन, ये डी था, ये होता है नेक्स्ट. ई मैं बता रहा हूँ, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन. अब देखिएगा,
एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन दो तरीके से पढ़नी है हमें, अबाउट फ्यूचर प्राइसेस एंड अबाउट फ्यूचर सप्लाई। देखिए आपके पास कहीं से न्यूज़ बताती है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, जैसे अभी न्यूज आता है कि आधी रात से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं, अचानक आप देखोगे सबकी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो जाएगा और सारे जने पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अभी प्राइस नहीं बढ़ेंगे बेटा, अभी प्राइस नहीं बढ़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे। फ्यूचर मतलब आधी रात से, यानी कि 12 बजे के बाद से पेट्रोल महंगा बिकेगा, लेकिन आप देखने अभी जिस प्राइस पे बिक रहा है उसी पे क्वांटिटी या उसकी डिमांड बढ़ा दी जाएगी। ये होता है बेटा एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। ऐसे आपको दे दिया जाए, आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आपका दोस्त आपको रिपोर्ट कहता है भाई मेरे अभी ये फोन 10,000 का आ रहा है, एक महीने रुक जा, आने वाले एक महीने के अंदर इसकी प्राइस 7,000 होने वाली है, यानी प्राइस फॉल होने वाली है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप डिमांड को रोक दोगे या डिमांड जो बढ़ने जा रहे हो कम कर दोगे। देखिएगा दोनों बता देता हूँ, आपके पास न्यूज में देखिए फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी आप क्या कर दोगे, अभी आपकी डिमांड बढ़ा दोगे, जैसे पेट्रोल और डीजल के मामले में अभी बताया था मैंने। और वहीं मोबाइल के मामले में मैंने आपको बताया कि आपको दोस्त ने रिपोर्ट दे दी कि बेटा 2 महीने रुक जाओ इसकी प्राइस गिरने वाली है, तो अभी आप क्या कर दोगे, जो प्राइस चल रही है उस पे या तो डिमांड को कम कर दोगे या डिमांड को टाल दोगे कि ओके मैं अभी नहीं खरीद रहा, मैं बाद में खरीदूंगा। ये है फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन। एक होता है फ्यूचर सप्लाई एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर सप्लाई का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपको अभी न्यूज आ जाए कि भिलवाड़ा में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, और भिलवाड़ा फिर से लॉकडाउन का मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होने वाली है। जैसे लॉकडाउन लगेगा, हम पहले एक लॉकडाउन फेस कर चुके हैं बेटा, तो हमें पता है लॉकडाउन के 2-3 दिनों में मार्केट पूरा अच्छे से नहीं खुल पाता, दुकान अच्छे से नहीं खुल पाती है, और अच्छे से नहीं खुल पाती इसका मतलब सीधी बात है सप्लाई कम होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो प्राइसेस चल रही है, अभी प्राइसेस में बेटा कोई चीज नहीं आया, लेकिन हम क्या करेंगे इसी प्राइस पे क्वांटिटी की डिमांड को या क्वांटिटी जो मार्केट से हम खरीदने वाले हैं उसको स्टॉक करके रख लेंगे, मैगी और जितने भी इम्पोर्टेंट स्टफ्स हैं वो हम इम्पोर्टेंट स्टफ को स्टोर करके रख लेंगे। फ्यूचर में सप्लाई गिरने वाली है, इसका हम एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, होली दिवाली के टाइम हमें पता है कि मार्केट में दूध की मेन होली के दिन खरीदने जाओगे, शीतला सप्तमी के दिन खरीदने जाओगे नहीं मिलेगा, तो शीतला सप्तमी से एक दिन पहले आपके घर में जो होलिया वगैरह दही वगैरह के आइटम बनते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा हम दही खरीद के या दूध खरीद के रख लेते हैं, वो इसी का एग्जांपल है। वही फ्यूचर में अगर सप्लाई बढ़ने वाली है तो अभी कॉन्स्टेंट प्राइसेस के लिए हम क्वांटिटी को कम कर देते हैं। तो ये बेटा मेरा एक तो टॉपिक हो गया एक्स का, ये मेरा टॉपिक हो गया टी का, ये हो गया मेरा टॉपिक ई का। अब मैं बता दूं बेटा पी आर, पी आर जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिएगा रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स वो गुड्स हैं टू गुड्स वेयर प्राइस ऑफ वन, प्राइस ऑफ वन इंपैक्ट्स द डिमांड ऑफ सम अदर गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जिसमें प्राइस ऑफ वन इंपैक्ट्स द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। देखिएगा जनरली होता क्या है, इस पेन की प्राइस का असर केवल इस पेन की डिमांड पे पड़ेगा, लेकिन इस पेन की प्राइस का असर इस पेन के साथ साथ किसी और कमोडिटी की डिमांड पे भी पड़ जाए तो उसको हम रिलेटेड गुड मानेंगे। मान लीजिए ये शर्ट है, इस शर्ट की प्राइस का असर केवल इस शर्ट की डिमांड पे पड़ना चाहिए, बट इस शर्ट की प्राइस का असर या शर्ट की प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस शर्ट के अलावा किसी दूसरी शर्ट पे या दूसरे आर्टिकल पे भी पड़ जाए तो वो रिलेटेड गुड बनेगा। अब देखिए रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है बेटा सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे अगर पेन यूज किया जाएगा
सॉक्स जरूर पहने रहेंगे। अगर मैंने शर्ट पहन रखी है तो उसके साथ मैंने कुछ ट्राउजर या जींस वगैरह भी पहन रखी होगी। अगर मैं टी बना रहा हूं घर पे तो उसमें शुगर या मिल्क जरूर डलेगा, यानी दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री विच आर यूज टूगेदर। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है यूज इन प्लेस ऑफ अदर, यानी दोनों एक साथ यूज नहीं हो रहे, दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो रहे हैं। जैसे मैं टी और कॉफी एक साथ नहीं पीऊंगा, या तो टी या फिर कॉफी। अभी मैंने देखा शूज पहन रखे हैं, शूज पहन रखे हैं तो इसका मतलब मैंने स्नीकर्स नहीं पहन रखी है। अभी मैंने फॉर्मल ट्राउजर पहन रखा है तो इसका मतलब मैंने जीन्स नहीं पहन रखा है। मेरी बाइक पेट्रोल पे चल रही है तो इसका मतलब डीजल पे नहीं चल रही है। तो देखिएगा यहां जो दोनों गुड्स आ रहे हैं ये दोनों एक साथ यूज किए जाएंगे हमेशा, जबकि यहाँ पर भी जो दो गुड्स आ रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाएंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। अब देखिएगा इसमें डिमांड कैसे चलती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो देखिएगा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देखोगे तो इनमें से एक कमोडिटी हमेशा आपको ज्यादा पावरफुल नजर आती है। जैसे पेन खरीदने जाऊंगा तो मैं उसकी इंक खरीद लेता हूँ या रिफिल खरीद लेता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं रिफिल खरीदने जा रहा हूँ तो लाओ सर दो पेन भी दे देना। मैं शूज खरीदने जा रहा हूँ तो शूज के साथ दो पेयर सॉक्स के लेके आ सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता कि मैं सॉक्स खरीदने जा रहा हूँ तो शूज भी खरीद के आऊंगा। नो, हो सकता है मैं शर्ट खरीदने जाऊँ तो शर्ट के साथ ट्राउजर खरीद के आऊँ, लेकिन ट्राउजर के साथ फिर भी शर्ट आ जाएगी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। टी के साथ टी खरीदने जा रहा हूँ या टी बना रहा हूँ तो टी में शुगर जरूर डलेगी, ऐसा नहीं कि शुगर होगी तो टी बनाई जाएगी, नो, टी में शुगर जरूर डलेगी। ओके, तो जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ शूज का, शूज और सॉक्स का, शूज एंड सॉक्स। अब देखिएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं, तो देखिएगा अगर मार्केट में शूज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से शूज की क्वांटिटी फॉल करेगी। शूज की प्राइसेस बढ़ेगी तो शूज की क्वांटिटी या डिमांड फॉल करेगी। इस टाइम सॉक्स की प्राइसेस कांस्टेंट रहते हुए भी सॉक्स की क्वांटिटी या डिमांड फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में बेटा शूज ही कम बिक रहे हैं, तो ऑब्वियसली शूज कम पहन रहे लोग तो सॉक्स भी कम पहनेंगे। इसको इन्वर्सली समझते हैं, शूज की प्राइसेस फॉल हो गई, शूज की प्राइसेस फॉल हो गई, शूज की डिमांड बढ़ी। इस दौरान मार्केट में सॉक्स की प्राइसेस कांस्टेंट हैं, तो इसी कांस्टेंट प्राइस पे सॉक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में शूज ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आपके सॉक्स की प्राइसेस कांस्टेंट हैं, सॉक्स की क्वांटिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शूज की प्राइसेस में जो चेंज आया है। तो देखिए शूज की प्राइसेस का असर शूज पे तो पड़ा ही पड़ा, साथ में सॉक्स को भी इसने अपने इंपैक्ट किया। रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल है, और ये जो रिलेटेड गुड्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के रिलेटेड गुड्स है। इसको आप टी और शुगर के साथ भी बता समझ सकते हैं, और मैंने आपको नोटबुक में भी एक डिफरेंट एग्जांपल दिया है, तो वहां से कॉपी करें और वहां से समझिए, और नहीं समझ में आता है तो वापस आप हमको कॉल बैक कर सकते हैं। अब देखिए मैं सप्लीमेंट्री में समझा देता हूँ। सप्लीमेंट्री में जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं टी और कॉफी का, ये टी ये कॉफी, मान लीजिए टी की प्राइसेस बढ़ जाती है मार्केट में, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से टी की डिमांड बढ़ेगी। इस टाइम मार्केट में टी कॉफी की प्राइसेस कॉन्स्टेंट होते हुए भी अचानक लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उन्हें टी महंगी लग रही है तो वो टी को छोड़ के कॉफी की तरफ चले जाएंगे। यानी टी की प्राइसेस का असर टी की डिमांड पर पड़ा ही पड़ा, कॉफी की डिमांड पर पड़ा। रिलेटेड गुड्स ऐसे ही टी की प्राइसेस मान लीजिए कम हो जाएगी, तो टी की प्राइसेस कम होने में टी की क्वांटिटी या डिमांड इंक्रीज करेगी। इस दौरान कॉफी की प्राइसेस कॉन्स्टेंट होते हुए भी कॉफी की प्राइसेस कॉन्स्टेंट होते हुए भी कॉफी की डिमांड मिल जाएगी, क्योंकि लोग अब टी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। यानी टी ने अपने आप को इंपैक्ट ले लिया और कॉफी को भी इंपैक्ट ले लिया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल है। इसका एक और वेरिएंट एग्जांपल आपको नोटबुक में मिल सकता है। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं।
एक आखिरी चीज में हमारा यहाँ बचा है वो है y, px हो गया, pr हो गया, t, e दोनों करा लिए। अब मैं बता रहा हूँ y के बारे में। तो y का मतलब होता है बेटा इनकम, यानी पर्सन जब डिमांड करने जाता है तो इनकम का भी इफेक्ट होता है। अब देखिएगा इनकम के हिसाब से इफेक्ट दो तरीके से पड़ा जाता है, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में होता क्या है, देखिएगा प्राइस का असर नहीं होगा, प्राइस बेटा अपनी जगह कॉन्स्टेंट रहेगी। मेन इंफीरियर और नॉर्मल को पढ़ा जाता है इनकम के अगेंस्ट। तो अगर इनकम बढ़ने पर किसी चीज की डिमांड बढ़ा दी जाती है या इनकम घटने पर किसी चीज की डिमांड घटा दी जाए, यानी वाई एंड क्यू फॉलो पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब जैसा वाई में चेंज आ रहा है वैसा क्यू में चेंज आ जाए, तो इसको नॉर्मल गुड बोलते हैं। देखिएगा इस दौरान प्राइस कॉन्स्टेंट है, प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज नहीं आ रहा है, हो रहा है किसमें चेंज है इनकम, वाई यानी इनकम। इनकम में इंक्रीज होने पे क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी जाए, इनकम में डिक्रीज करने पे क्वांटिटी भी डिक्रीज कर दी जाए, तो ये नॉर्मल गुड का एग्जांपल होगा। वाई और क्यू फॉलोस पॉजिटिव रिलेशन। जबकि इंफीरियर गुड में होता क्या है बेटा, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट एंड वाई एंड क्यू फॉलोस इनवर्स रिलेशन। वाई एंड क्यू फॉलोस इनवर्स रिलेशन यानी वाई के इंक्रीज होने पे क्यू फॉल कर जाए और वाई के फॉल कर जाने पे क्यू इंक्रीज हो जाए, तो इसको इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल होते हैं। इस दौरान ध्यान रखिएगा प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। अब देखिए इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिसमें आपको बताया जाए कि ये पॉजिटिव ये इंफीरियर गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है। आपको पर्सन टू पर्सन और उसकी सिचुएशन को समझ के देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या नॉर्मल है क्या इंफीरियर है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, एक रिक्शा पुलर है, ही यूज टू हैव बीडी, रिक्शा पुलर था, बीडी पीता था, उसकी अचानक से कहीं से लॉटरी लग जाए, लॉटरी लगने पे उसकी इनकम क्या हो गई, उसके बजट क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया। अब देखिएगा ना तो बीडी ना सिगरेट, उनकी प्राइसेस में कोई चीज नहीं आया, बीडी और सिगरेट की प्राइसेस कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि उसके पास लॉटरी लग गई उसको कुछ पैसा मिल गया तो उसने बीडी भी तो छोड़ दिया और सिगरेट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो देखिएगा प्राइसेस कांस्टेंट थी लेकिन उसके इनकम या लॉटरी लगने की वजह से उसने बीडी का कंजम्पशन छोड़ा और सिगरेट का कंजम्पशन शुरू कर दिया। तो देखिएगा लॉटरी या इनकम और सिगरेट सेम डायरेक्शन में जा रही है नॉर्मल गुड्स, और इनकम और बीडी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है इंफीरियर गुड्स। तो ऐसी कोई बेटा लिस्ट नहीं है जिसको हम नॉर्मल और इंफीरियर में डिफर कर सके, तो हमें पर्सन टू पर्सन को डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ आपके आपका बेटा सो कॉल्ड डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्केट डिमांड फंक्शन, जो आपके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। क्यों, मार्केट डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा था MDX इज द फंक्शन ऑफ PX, PR, Y, T, E एंड Y। तो पांच टॉपिक का आपने पहले पढ़ लिए, आपको पढ़ने दो नए टॉपिक, एक है M, एक है Y। तो M का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ पर्सन, या जिसको हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन। तो सीधी बात है जैसे ही एन या पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज करेगी ऑब्वियस है डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हो जाएंगे तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी, और जैसे ही पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पर्सन कम होते हैं तो डिमांड फॉल कर जाएगी। दिस इज एन। फाइनली वाईडी, वाईडी का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जितना इक्वल होगा उतना सोसाइटी में एसेंशियल्स
गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। और अगर अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब रिच पर्सन के पास ज्यादा अमाउंट है और पुअर पर्सन के पास कम अमाउंट है, तो ऐसे टाइम पर लग्जरीज या कंफर्ट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। सो दिस इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। यहां पर आके आपके इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और लगभग चैप्टर का फर्स्ट 30-40% कवर हो जाता है।